सैलाब वो तो आया था, काफी हमारे घर भी ऐसे तबाह हो गए। सैलाब आयो तो असा वटे एतरो एतरो पानी हुयो ना 8 फुट ते मना 6 फुट 8 फुट एतरो मना पानी हुयो तो असानी औरतुन के दादी तकलीफ हुई। जो बारिशें हो रही थी उसमें बहुत ही नुकसान हुआ है, जैसे घरों का तो ज्यादातर नुकसान है, तालीम का नुकसान हुआ है, बीमारियां, ये मच्छर थे, ये सारी गंदगी की वजह से ये पानी आई तो सारे बीमार, ये मलेरिया बुखार ये तो सब था। सैलाब की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने घर बार उनके टूट गए। हमारे गांव में ये नहीं है कि लड़कियां जाकर बाहर कमाएं और बाहर निकलें घर से। कार बनाने में मुझे बहुत मसला हुआ क्योंकि हमारे घर में ऐसा कोई मर्द नहीं था जो हमें शहर लेके जाता, हमारा कार्ड बनाता। मर्द हजरात वो ज्यादातर वो काम करते हैं ईंटों का, वो काम पर 3-3 महीनों तक नहीं जा सके। तो मेरी छोटी मुन्नी है तो इसके इतने सारे गिठान बढ़ी हुई है सवालों की, मैं वो सवालों के कभी कभी जवाब नहीं दे सकती। बढ़कर अपनी मुश्किलें खत्म करूंगी। पहली छोकरी आया असन गोटा जी जेका मैं बाहर निकती आया पढ़ाई कई आई ना दर्जे ते पहुंची आया। जब भी यहां पे हम लोग सेंटर में आते हैं ना, बस हम ना दिन देखते हैं ना रात, अपना काम जिम्मेदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। जो कुछ यहाँ से सीखा है, जो कुछ स्किल सीखी है, उनसे हमारे इलाके की जो औरतें हैं जो सिर्फ घर तक महदूद थी, उन्हें नहीं पता था कि आगे कैसे जाना है, मैं उनको भी लेकर आगे चलूं। तो हम पहले घरों में जब थे तो हम काम तो करते थे, हमारी मेहनत भी ऐसे समझ रहे थे कि जाया है। सारी जिंदगी गुर्बत में नहीं गुजारनी हमें। सेंटर की वजह से बहुत सारी औरतों की जो पहले मतलब उनका माइंड था कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, इस सेंटर के थ्रू उनको मतलब एक उम्मीद उन पे जागी है ना कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं। हमें मशीनें दी हैं, सोलर प्लान भी दिया हुआ है। सैनिटरी पैड बनाने के लिए मशीन दिए हैं, पर्दे दिए हुए हैं, हमारा सेंटर के कलर करवा दिए। हमने जो है बेबी किट्स वगैरह थी या मदर किट थी जो बिल्कुल गरीब खवातीन थी जिनका कोई कमाने वाला नहीं था, और उनमें हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किए। जो डिसेबल है, जो नहीं आ सकते, उनको व्हीलचेयर दी है कि ताकि वो आसानी से आ सके यहाँ और अपना काम कर सके। په دې یخ کې به ما د تکلیف په زما ټوکان به وښویدو زه به ګزاره شوم که نه، نو چې ما لی دا ویچیر راکړو نو لکه اوس ماته لکه ډېر زیات یو خوښ دی، لکه سکون او آرام محسوس شوی دی لکه ما میں پہلے پتہ نہیں تھا یہاں پہ کوئی سینٹر کھلا ہے، پھر مس مریم ہمارے گھر آئی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ بی آر ایس کی سینٹر کھلا ہے۔ हमने गांव में जाकर हर एक को बताया और उनको अच्छे से ब्रीफ किया कि यहाँ पर हमने सारी खवातीन को इकट्ठे किया और हमारा WCC बना। दलित जमुन परिकुली की वर्कुट शांति सेंटर बती दी चिदाही की जमुन गोंड दी जनाना कार कवि दखपल कोर हरचा दग कवि। हमारे ट्रेनिंग सेंटर में हम सिलाई कढ़ाई और इनको पैड्स वगैरह की ट्रेनिंग्स देते हैं।
शॉप वगैरह के भी जो हमारा काम चल रहा है वो भी हम इनको ट्रेनिंग देते हैं। मेरा कार्ड बनने के बाद मुझे पता चला यहाँ काम करते हैं, इसलिए मैं दूर से आई थी। यहाँ यूर वुमेन ने इदारा खोला था, यहाँ बहुत सारे काम होते थे जो मुझे बहुत सारी सीखियाँ मिलती थी। यहाँ पे काम एक तो पेट से चल रहा है और दूसरा हमारे यहाँ साबुन का है और तीसरा हम लोग कढ़ाई भी करते हैं, रिलियाँ बनाते हैं। यहाँ की औरतें उन पर बहुत सारा तशद्दुद हो रहा था, बस वो सहती जा रही थी कि नहीं बस अगर हमारे हस्बैंड कह रहे हैं कि घर से बाहर नहीं जाना है तो बस घर तक ही महदूद रहना है। पाकिस्तान में औरतों के पास में या जो भी कानून है हम इन्हें बताते हैं और इदारों तक हम इनकी जो इंफॉर्मेशन आती है वो देते हैं कि किन किन इदारों के साथ ये रब्ता कर सकें। यहाँ पर बहुत सारे सेक्शन दिए गए हैं औरतों को कैसे अपने मतलब वॉइस रेज करनी चाहिए, अगर आप अपने हक के लिए बोलती हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। यूएन वुमेन की तरफ से जो सेंटर मिला है अब ये यहाँ पर आती है और इनकी जो ज़हनी अज़ियत की वो ख़त्म हो जाती है, यहाँ पर आके दूसरी ख़वातीन के साथ मिलकर बातें वगैरह भी करती है और अपना काम भी करती है तो इनको काफ़ी अच्छा महसूस होता है। बाकी इनकी सोचती थी कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, अभी वो लोग बोल रहे हैं नहीं हमारे भी गुर्बत हटेगी, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। हम शुक्रगुजार हैं यूएन वुमेन के और सरसों इदारे के और आरएसपीएन और जापान के जिसने हमें इतनी सहूलियात दी है। हालात तो बदल गए हैं हमारे, कुछ बदल रहे हैं और बदल जाएंगे इंशाल्लाह। अगर ये औरत ही कल मतलब पढ़ के आगे बढ़ेगी वो अपने जो न्यू जनरेशन है उनको और भी ग्रो अप कर सकती है।